दिस इज़ फिफ्थ लेक्चर ऑफ द यूनिट थ्री टूडे वी विल स्टडी अबाउट दि टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर सो अकॉर्डिंग टू दी कोर कंस्ट्रक्शन देर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर फर्स्ट इज कोर टाइप एंड अनदर इज शेल टाइप तो दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं कंस्ट्रक्शन के हिसाब से एक कोर टाइप होता है एक शेल टाइप होता है तो दोनों ही तरह के ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन कैसे होते हैं उनके एडवांटेज क्या होते हैं वो आज हम यहाँ पर देखेंगे तो कोर टाइप की बात करते हैं पहले तो पहले एक बार दोनों ही ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन हम एक बार देख लेते हैं कैसे दिखते हैं तो लेफ़्ट में कोर टाइप ट्रांसफार्मर है और राइट में शेल टाइप ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में दो लेम या दो लेग दिख रहे हैं आपको जिस पर वाइंडिंग वाउंड है या लपेटी हुई है और शेल टाइप में केवल एक ही लेग पे या एक ही लेम पे ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग winding, दोनों वाइंडिंग्स हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर द कोर टाइप कंस्ट्रक्शन लॉन्गर मीन लेंथ ऑफ फ्लक्स पाथ एंड शॉर्टर लेंथ ऑफ कॉइल टर्न मतलब यहाँ पर ये यह कहना चाह रहे हैं लॉन्गर मीन लेंथ होती है फ्लक्स पाथ की कोर टाइप में और कॉइल टर्न जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं आगे फ्लक्स लिंकिंग ओनली वन वाइंडिंग ऑफ़ द ट्रांसफार्मर इज डिट्रीमेंटल टू ट्रांसफार्मर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अगर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जो है अगर केवल एक ही साइड में बाउंड होगी तो उसके कारण बहुत सारा लीकेज होता है और उस लीकेज को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं टू रिड्यूस लीकेज फ्लक्स हाफ एल वी एंड हाफ एच वी आर वाउंड ऑन ईच लिम ऑफ द कोर टाइप लिम का मतलब होता है लेग जिसपे ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग जो है वो बाउंड है या लपटी हुई है और एल वी का मतलब यहाँ पर लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज से तो एक लो वोल्टेज साइड होता है ट्रांसफार्मर का एक हाई वोल्टेज साइड होता है स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो हमेशा एक लो वोल्टेज और एक हाई वोल्टेज साइड होता है ट्रांसफार्मर का तो एल वी का मीनिंग यहाँ पर लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज से है फॉर इकोनॉमिकल इंसोलेशन द एल वी आर प्लेस्ड इन साइड एंड एच वी कोइल्स आर प्लेस्ड ऑन दी आउटसाइड तो यहाँ पर इकोनॉमिकल इंसुलेशन के लिए एल और एच का जो सैंडविचिंग है बताया गया है वो हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर लेफ्ट हैंड की बात करें लेफ्ट हैंड साइड की कोल टाइप की तो कोल टाइप में ब्लू कलर से एल वाइंडिंग को शो कर रहे हैं और ऑरेंज कलर से एच वाइंडिंग को शो कर रहे हैं और एल और एच वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन है मतलब एक दोनों लेक पर एल और एच दोनों वाइंडिंग्स हैं ताकि कम से कम लीकेज लॉस या लीकेज फ्लक्स हो यहाँ पे एक और डिफरेंस है दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व रेक्टेंगुलर कोर ऑन विच टू वाइंडिंग्स आर वाउंड ऑन दी एनी ऑफ टू ऑपोजिट साइड्स ये बेसिक में अगर हम देखना चाहें शॉर्ट में कि कोर में कोर फॉर्म जो होता है उसमें क्या होता है तो ये इस पिक्चर में दिखा रहे हैं शेल फॉर्म में क्या होता है इन दिस कंस्ट्रक्शन आर कोर विथ थ्री लेग्स इज यूज the winding with lower turn is directly connected with the core whereas other winding with higher number of turns wounds above it कुछ और रिप्रेजेंटेशन है कोर टाइप ट्रांसफार्मर के फिगर ए बी सी देख सकते हैं जो पहले डायग्राम्स देखे के जैसे हैं डायग्राम, ये शेल टाइप का पिक्चर है डिफरेंस बिटवीन कूल टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर अगर हम आ, सिंपल शब्द में सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें कि डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में तो कोर टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है उसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो सिंपल होता है बट शेल टाइप ट्रांसफार्मर का कंपेरेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है हाई लीकेज फ्लक्स सिंस कोर्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड कंपेरेटिवली कोर टाइप में ज़्यादा लीकेज होता है एज़ कंपेयर टू शेल टाइप क्योंकि शेल टाइप में दोनों ही वाइंडिंग एक ही लेग पर होती है इसलिए लीकेज जो होता है वो कम से कम होता है क्योंकि दोनों वाइंडिंग्स के बीच में डिस्टेंस नहीं होता है और तो बहुत कम डिस्टेंस होता है कोर टाइप में टू लेग्स होते हैं जैसे कि हमने कंस्ट्रक्शन में देखा और शेल टाइप में तीन लेग होते हैं थ्री लेग्स कोर टाइप प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है लेकिन शेल टाइप जो होता है वो प्रैक्टिकली यूज होता है आगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में टू प्रिवेंट इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर एंड डिटेरियोरेशन ऑफ वाइंडिंग इंसुलेशन द बिल्टिन कोर एंड वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड इन टैंक फिल्ड विद ट्रांसफॉर्मर ऑयल तो मॉइस्टर और डिटेरेशन खत्म करने के लिए द बिल्टिन द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज प्लेस्ड इन साइड द स्टील टैंक फिल्ड विद द ट्रांसफॉर्मर ऑयल मतलब ट्रांसफॉर्मर को एक ऑयल टैंक में रखा जाता है ताकि मॉइस्चर uh, और डिटर्जन वाइंडिंग इंसुलेशन का जो है उसको कम किया जा सके आगे ओवल और सर्कुलर ट्यूब्स आर प्रोवाइडेड ऑन द आउटसाइड सर्वेस ऑफ़ द ट्रांसफार्मर टैंक एडिंग इन नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ ऑयल विच रिमूव द हीट ऑफ कोर एंड वाइंडिंग आईसक्र लॉसेज एंड ट्रांसपोर्ट्स इट टू द टैंक सर्वेज फॉर कूलिंग परपज कूलिंग परपज़ के लिए भी यूज़ करा जाता है ट्रांसफार्मर ऑयल को ऑयल सर्कुलेशन ऑल्सो रिमूव द हीट जनरेटेड बाई आयरन लॉसेज इन दौर जो लॉसेज होते हैं जिसमें से एक आयरन लॉस है उसको भी कम करता है टू प्रिवेंट द कॉयल फ्राम एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्राम एयर एंड फ्राम बींग ऑक्सीडाइज द टैंक मस बी सील्ड एंड कनेक्टेड टू द एटमोस्फेयर थ्रू अ नैरो पैसेज फॉर ब्रीदिंग पर्पज तो ट्रांसफार्मर हमेशा ओपन एन्वायरमेंट में रहता है तो अगर कोई मॉइस्चर कंटेंट है तो ट्रांसफार्मर में एनवायरनमेंट uh, में अगर कोई मॉइस्चर कंटेंट है और वो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर के थ्रू अंदर आने की अगर कोशिश करता है तो ट्रांसफार्मर के जो ब्रीदर उसकी सरफेस पे सिलिका जेल पेस्टेड होता है तो वो सिलिका जेल जो रहता है वो uh, जो अंदर आने वाली मॉइस्चर कंटेंट है एयर के साथ उसको एब्जॉर्ब कर लेता है इनसाइड दिस पैसेज सिलिका जेल इज़ प्लेस्ड फॉर ड्राई द एयर द ट्रांसफार्मर ब्रीद इन